हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। युवाओं में खेल की भावना उत्पन्न करने के लिए 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है। कोरोना महामारी के बीच युवा घर पर बैठने को मजबूर हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, युवाओं में खेल की भावना उत्पन्न करने एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को बल देते हुए सोलन हॉकी क्लब द्वारा सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ उपमंडलाधिकारी अजय यादव ने किया। युवाओं में खेल की भावना पैदा करना एवं युवाओं की खेल की ओर रुचि बढ़ाना इस 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है। SDM सोलन अजय यादव ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता से युवाओं का मनोबल बढ़ता है। ये सोलन क्लब हॉकी क्लब की तरफ से 3 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। जैसे इन्होंने बताया 13 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 21 से ज़्यादा मैच हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्लब जो है अपने दम पे ही यहाँ तक आगे आई है और इसमें कुछ स्थानीय लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला है। तो इन्होंने अपने बलबूते जो पहले 4-5 लोगों की मदद से स्टार्ट हुई थी, आज इसमें काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में ये क्लब और आगे बढ़ेगा और यहाँ के प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम दर्ज कराएंगे। जो आज सोलन हॉकी क्लब ने टूर्नामेंट्स जो कर रहे हैं, इसमें 13 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये फर्स्ट टाइम सोलन में इस तरह का हॉकी का मैच हो रहा है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इसके लिए और मेरा आशीर्वाद है कि हॉकी गेम इसी तरह से हमारे इंडिया में जिस तरह से पहले बहुत मशहूर होती थी, बहुत पॉपुलर थी, उसी तरह से ये गेम आगे को भी उसी मुकाम पर पहुँचे और हम वर्ल्ड में नोन हों कि हमारे हॉकी के जो टीमें हैं यहाँ की बहुत ही बढ़िया हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस क्लब को कि उन्होंने इतना नेक काम शुरू किया। उज्ज्वल हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह। अरे दीजिए ना, क्या कर रहे हैं? अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहू जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।